प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कराए गए सर्जिकल स्ट्राइक पर आधारित उरी सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म को जोन चेयरमैन श्री प्रमोद गुप्ता द्वारा दिखाई गई फिल्म का आनंद सभी मित्रों साथियों कार्यकर्ताओं व सहयोगियों के साथ मिलकर देखने के लिए कार्निवल सिनेमा डावर चौक अंचल प्लाजा गाजियाबाद में इस फिल्म को दिखाया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस फिल्म का आनंद लिया। वहीं प्रमोद गुप्ता ने बताया कि हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं उन सैनिकों को जो देश के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए अपनी जान हथेली पर लेकर उन आतंकवादियों व ऐसे उन लोगों को जो देश में आतंकवाद फैलाते हैं, निर्दोष लोगों को मारते हैं, उन्हें घर के अंदर जाकर मारा। आज मेरे बाढ़ के सभी लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और मेरे मित्र, कुछ परिवार के लोग, कुछ ऐसे लोग जिनका मैं धन्यवाद करता हूँ, वो सब लोग मिलजुल कर आज एक सामूहिक रूप से फिल्म देखने की योजना बनाई और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी हम सब ने देखी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिसका बीपी 100 रहता हो, आज यहाँ देख के 200 हो गया होगा, तो सबको आज बहुत जोश। और जैसे वो नारा देते हैं ना, हाउ इज़ द जोश सर, तो हाई सर, तो आज सभी का बहुत जोश हाई है। और जो मोदी जी के द्वारा सही मायने में सर्जिकल स्ट्राइक की गई होगी, उन जवानों का कितना उत्साह बढ़ा होगा, उन जवानों ने कितनी वीरता के साथ अपने देश पर आन बान शान बनाए रखने के लिए जो घर में घुस के मारा है, आज उस भावना के साथ, उस प्रेरणा के साथ हम सब लोगों ने मिलजुल कर ये मूवी देखी है। और आज हम सलाम करते हैं आपके माध्यम से आज अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो इस जज्बे को आज उन्होंने सेना के अंदर बनाया है। और हम सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं उन सैनिकों को जो देश के लिए, आपके, हमारे सबके लिए अपनी जान हथेली पर लेकर उन आतंकवादियों को और ऐसे उन लोगों को जो लोग देश के अंदर आतंकवाद फैलाते हैं, निर्दोष लोगों को मारते हैं, उन्हें घर के अंदर जाके घुस के मारा और ऐसे दुष्ट और दुराचारियों को सबक सिखाया। आज हम इसी जयकार के साथ हम सब लोग एक जयघोष करते हैं, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। और ये जोश आज से बरकरार होकर मेरी पूरे क्षेत्र में, मेरी पूरी विधानसभा में, मेरी पूरी लोकसभा के लोगों के अंदर बना रहेगा। और आज हम इस संकल्प के साथ यहाँ से जा रहे हैं कि जब तक दोबारा नरेंद्र मोदी को 2019 में हम सब नहीं चुन लेंगे और पहले से अधिक बहुमत के साथ नहीं चुनेंगे, तब तक ये जोश जाने वाला नहीं है, तब तक हमारी रगों का ये खून ठंडा होने वाला नहीं है। हम सब मिलजुल कर इसी जोश के साथ काम करेंगे। लगभग ऑडी फुल हो गया और कुछ लोगों को तो बैठ के देखनी पड़ी इधर उधर। मैं धन्यवाद करता हूँ उन सब लोगों का और विशेष तौर पर उन लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्हें जहाँ स्थान मिला वहाँ बैठ गए, मगर सब ने मिलजुल कर देखा, उसका एक आनंद अलग है। मैं पुनः सभी आए लोगों का धन्यवाद करता हूँ, मीडिया के बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ पर हमारे साथ इस कार्य में शरीक हुए। और हम सब आज यहाँ से मिलजुल कर एक संकल्प लेके जाते हैं कि 2019 में हम 400 पार सीटें लेकर आएंगे और मोदी को पुनः इस राष्ट्र का प्रधानमंत्री बनाएंगे। जो लोग कहते हैं चौकीदार चोर है, उनके मुंह पर एक ऐसा तमाचा बनाएंगे वोट के माध्यम से जिन्हें पता लग जाएगा चौकीदार चोर नहीं, चौकीदार अपना काम ठीक कर रहा है, इसलिए चोरों की जमात एक जगह इकट्ठी हो गई है। लोग यहाँ से प्रेरणा ही नहीं, लोग सिर्फ प्रेरणा ही नहीं, यहाँ से संकल्प लेके जा रहे हैं। आज यहाँ बैठे एक एक व्यक्ति ने संकल्प लिया है कि हम 2019 में पुनः नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। देखिए, सलाम है ऐसे जज्बे को, ऐसी भारतीय सेना के जवान को, ना ही सिर्फ वो कैप्टन, हमारे देश का एक एक जवान ऐसा जज्बा रखता है। सोच अगर कहीं आवश्यकता है या कहीं कमी रही है तो राजनीतिक सोच की कमी रही है, जो उनके हाथ बांधे रहे थे आज हाथ खोल दिए गए हैं। वो एक गोली चलाते हैं, हमारे जवान 10 मार के आते हैं। इसी जज्बे के साथ भारतीय सेना काम कर रही है और यही जज्बा बना रहे, उस जज्बे को हम सलाम करते हैं। देखिए, यही एक मॉरल की बात होती है, हमारे जवानों का इतना मॉरल अप था कि हमारे ऊपर हमारे सर्वे सर्वा बैठे हुए हैं और हमने इस काम को अपने अंजाम देना है, उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। यही कारण है कि हम लोग आज उन सबको सलूट कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं उस हर एक एक जवान को
जो जवान आज इस देश की रक्षा के लिए आज सर्दी के मौसम में 50 डिग्री माइनस टेम्परेचर में भी खड़े होकर हमारे घरों की चिंता कर रहा है, हम सलाम करते हैं उस सेना को, हम सलाम करते हैं उस सरकार को जो ऐसे जज्बे को बरकरार रखे हुए। अभी हमें बहुत बेस्ट लगी आज, मतलब जो पॉलिटिक्स का हो रहा है उसमें मोदी जी ने बहुत अच्छा काम दिखाया मोदी जी का, तो हमें बहुत पसंद आई। हम चाहते कि ऐसी मूवी आगे बने और सबको इससे प्रेरणा मिले। बहुत बेस्ट मूवी है, आजकल जो वैसी मूवी बनती है उससे बहुत बेस्ट है, तो बच्चों को भी इससे बहुत शिक्षा मिली और हमें भी बहुत शिक्षा मिली देखने के लिए। देश के प्रति हमारी मतलब जागृति हुई है, हम चाहते हैं कि मोदी जी ही आगे आए और हम उन्हें ही सपोर्ट करें। मूवी बहुत बढ़िया है और सारी ओरिजिनल है। जिस हिसाब से हमारे फौजियों ने जाकर वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करी वो बहुत ही मतलब इतनी बढ़िया है कि हम बयान भी नहीं कर सकते। और मन में कितनी खुशी होती है, मन में इतनी खुशी होती है कि जो कि जिसके लिए शब्द नहीं है, शब्द कम रह जाते हैं। नहीं, हमने कभी पहले कभी नहीं देखी, और ये पिक्चर के थ्रू जो उन्होंने दिखाया है साक्षात ऐसा लगता है जैसे हम खुद जाकर वहाँ पर कुछ करके आए हैं अपने देश के लिए। चाहे हमने पिक्चर देखी है लेकिन हमें खुशी इतनी है कि जैसे हम खुद कुछ करके आए हैं देश के लिए। सब्सक्राइब करें।